रिया के क्रिप्टिक पोस्ट ने फिर मचाया तूफान। सुशांत की डेथ एनिवर्सरी से पहले क्या कह रहा है रिया का पोस्ट? क्या है रिया चक्रवर्ती के नए पोस्ट चैप्टर 2 का मतलब? क्या सुशांत के मौत के बाद रिया की जिंदगी में आया कोई और? रिया चक्रवर्ती भले ही अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर गई, लेकिन रिया की लाइफ में उनका पास्ट उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिया का प्यार कैसा रहा, यह हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। सुशांत रिया पर खूब प्यार लुटाते थे, तो वहीं रिया भी सुशांत के प्यार में चूर थी। लेकिन अफसोस, सुशांत की मौत के बाद आरोपों का बम रिया पर जरूर फूटा था। 14 जून 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत से पहले तक रिया उनके साथ रिलेशनशिप में थी और सुशांत को डेट कर रही थी। हालांकि सुशांत की मौत के बाद लोगों ने रिया पर अलग अलग आरोप भी लगाए, तो वहीं ड्रग्स केस के चलते रिया जेल तक गई। और अब लीजिए रिया अपनी जिंदगी में चैप्टर 2 को शुरू कर रही हैं। रिया ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिससे लगता है कि वो अपनी लाइफ के दूसरे पड़ाव में पहुंच गई हैं या फिर नई शुरुआत करने जा रही हैं। रिया ने हाल ही में अपने ट्रिप के कुछ पिक्चर्स को शेयर किया है। इन पिक्चर्स में रिया लाल और सफेद रंग की बैकलेस ड्रेस में नजर आ रही हैं, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं। रिया चक्रवर्ती को समुद्र के किनारे कई पोज देते हुए देखा जा सकता है। वो काफी खुश नजर आ रही हैं। उन्होंने अपने इंस्टा स्टोरी पर भी एक पिक्चर को शेयर किया, जिसमें वो डूबते सूरज को देख रही हैं और साथ में बैक पोज दे रही हैं। इन पिक्चर्स को शेयर करते हुए रिया ने हैशटैग लिखा है चैप्टर 2। इसके साथ ही उन्होंने फूल और इंद्रधनुष वाला इमोजी भी बनाया है। रिया चक्रवर्ती के इस पोस्ट से लोगों को लग रहा है कि क्या उन्होंने वाकई में मूव ऑन कर लिया है, और इसी के चलते लोग अब इसको लेकर अलग अलग तरह के कयास भी लगा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है, अब आखिरकार किसे ढूंढ लिया? तो एक ने लिखा, अब कौन मिल गया रिया को? वहीं कुछ लोग इन पिक्चर्स को लेकर उनकी फिल्मों से भी जुड़ रहे हैं। हालांकि रिया ने अपने प्रोजेक्ट्स या अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर इसमें कोई जिक्र नहीं किया है। काफी मुश्किलों भरा सफर तय करने वाली रिया क्या वाकई में अब कुछ नया करने जा रही हैं, जिसके बारे में उन्होंने खुलासा तो कोई नहीं किया है, लेकिन हाँ, इसके हिंट उन्होंने सोशल मीडिया पर जरूर दे दी है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लगातार लाइमलाइट में बनी रही, और आज भी उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर लोग उन्हें जमकर ट्रोल भी करते हैं। रिया जब भी कैमरे पर आती हैं तो लोग उन्हें ट्रोल करने का मौका नहीं छोड़ते। वहीं बीते दिनों ही रिया का नाम एक बड़े बिजनेसमैन निखिल कामत से भी जुड़ा था, जिसको लेकर दोनों में से किसी ने भी इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। इसके अलावा रिया का नाम बंटी सजदे के साथ भी जुड़ चुका है। अब रिया के इस नए चैप्टर 2 का मतलब क्या है, और क्या वाकई में रिया की लाइफ में नया चैप्टर शुरू हुआ है, ये सब तो रिया ही बता सकती है। आपका इसके बारे में क्या सोचना है, हमें वीडियो के नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।